तो आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम थोड़े बहुत तो परिचित है ही, क्लास 12th में हमने पढ़ा तो है ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि जब हम लाइट के नेचर की बात कर रहे थे कि ये पार्टिकल है या वेव है, सबसे पहले न्यूटन ने पार्टिकल कहा, फिर आइगेंस ने वेव कहा, यंग ने प्रूव कर दिया कि वेव है, और फिर मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्योंकि वेव तो है लेकिन उसमें ओसिलेट क्या चीज़ कर रही है, कौन सी क्वांटिटी, तो वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जब ये चीज़ हुई, जब मैक्सवेल ने कहा कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तब लग रहा था कि हमेशा हमेशा के लिए लाइट का जो नेचर है वो फिक्स हो गया, कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन ये जो फिक्स नेचर था ये 10 साल भी नहीं चल पाया। जब हर्ट्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के होने को प्रूव कर रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रियली एग्जिस्ट, तभी एक्सपेरिमेंट में जब उन्होंने प्रूव किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उसी दौरान उसने इस इफेक्ट को भी देखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर हमारे पास कोई भी मेटल सरफेस है और उसमें हम लाइट डालते हैं, तो उस लाइट डालने की वजह से उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। और ऐसा अगर हम उसमें गैल्वेनोमीटर लगा के देखें, तो गैल्वेनोमीटर में हमें डिफ्लेक्शन दिखता है, यानी उसमें इलेक्ट्रिक करंट बहता है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को जो लाइट डालने की वजह से निकले हैं, उनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जो करंट बहता है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखो, मान ले मेटल सरफेस है कोई, और इस पर ये लाइट सोर्स है जिससे लाइट आ रही है, लाइट गिर रही है, तो लाइट गिरने की वजह से इलेक्ट्रॉन को जो बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए उस लाइट से मिलती है। अब एनर्जी लेकर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ऐसे एमिटर से कलेक्टर तक पहुंचता है, और जब इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में बहने लगता है, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में हमें डिफ्लेक्शन नज़र आता है। उससे क्या होता है, ऐसे हमारे सर्किट में करंट बहने लगता है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं अपना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस करंट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये हमारा फेनोमिनन था। लेकिन ऐसा क्या था इस फेनोमिनन में कि क्लासिकल फिजिक्स जो है, क्लासिकल थ्योरी, वो इसको समझा नहीं पा रही थी कि वो क्या रहा है यहाँ पर। अब वो देखते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से जब इसमें रेडिएशन आ रहा है, रेडिएशन पड़ रहा है, तो उसको इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे एनर्जी दे रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले करके बाहर निकलता है मेटल सरफेस से। इसको आप एक तरह से देखो, अगर मान लिया समुद्र के किनारे कुछ पत्थर पड़ा है, तो समुद्र की वेव्स आती है लगातार लगातार, उसको एनर्जी देती है, पत्थर से टकराते हैं और फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसा ही कुछ क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से होना चाहिए, ताकि रेडिएशन पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है, और इलेक्ट्रॉन जो है धीरे धीरे बाहर आना चाहिए। अगर हम इंटेंसिटी अपनी बढ़ाते हैं, ज़्यादा लाइट डालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए, और उसकी जो बाहर जब वो निकलता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। और कुछ ऐसा ही क्लासिकल फिजिक्स का मानना था, लेकिन कुछ चीज़ें जो है गड़बड़ा रही थी। पहली चीज़ की, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पर लाइट पड़ी, तो 10 की पावर -2 सेकंड, 10 की पावर -9 सेकंड तक के अगर हम एक्यूरेट मेजरमेंट की बात करें, तो इतने तक कोई टाइम लैग नहीं था। मतलब कि लाइट पड़ी और इलेक्ट्रॉन बाहर, लाइट पड़ी इलेक्ट्रॉन बाहर, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, मतलब जो है हम ज्यादा लाइट डालते हैं, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है। इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो नहीं बढ़ रही। तीसरी चीज, अगर हम ज्यादा वेवलेंथ की लाइट यूज करते हैं, अगर हम अल्ट्रावायलेट से विजिबल और इंफ्रारेड की तरफ जाए, वेवलेंथ ज्यादा बढ़ा दें लाइट की, तो चाहे मर्जी आप कितनी इंटेंसिटी लाइट की कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन घंटा बाहर नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर नहीं आएगा। अच्छा, तो इस चीज़ को लेकर के क्लासिकल फिजिक्स बिल्कुल कंफ्यूज थी, वे बिल्कुल इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। तो इस चीज़ को भी किसने समझाया,
ऑफ कोर्स इसी चीज ने समझाया, प्लैंक के क्वांटम हाइपोथेसिस ने, कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअसली नहीं आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में, बल्कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स में आ रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। इस चीज़ को समझ के जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन की वो की थी सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और इसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, तो देखते हैं सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने इन प्रॉब्लम्स को कैसे समझाया। उन्होंने कहा कि जब भी एनर्जी आती है तो वो एनर्जी के पैकेट के रूप में आते हैं, जिसको हम फोटोन बोलते हैं। अब जैसे ही एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से मिलेगा तो फोटोन की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाएगी, फोटोन की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाएगी। और हमने देखा है जो एनर्जी है फोटोन की वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ाएंगे, और ये अपोजिट होती है वेवलेंथ की, यानी अगर हम वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी। इसलिए अगर हम ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट का यूज करते हैं तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता है। अच्छा, तो जितनी भी एनर्जी उस फोटोन की होती है वो उस इलेक्ट्रॉन को मिलते हैं, और यूजुअली एक फोटोन ही एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है। अब उस इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर, अगर वो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, जिसको कि उसका वर्क फंक्शन बोलते हैं, तो अगर उसकी एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से बाहर निकल जाता है। अब जो बची कुची उसकी एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में यूज होती है। तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि जो मेरी फोटोन की एनर्जी है वो सबसे पहले यूज होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसके वर्क फंक्शन में, और जो बची हुई एनर्जी होती है वो उसकी हमें काइनेटिक एनर्जी मिल सकती है। मैक्सिमम क्यों लिखा, भी मैक्सिमम उसके पास इतनी एनर्जी हो सकती है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कहीं गंवा दे, किसी एटम्स के साथ टकरा जाए कहीं टक्कर वगैरह में, तो मैक्सिमम उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। तो चूंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ता है, फोटोन्स का नंबर बढ़ता है, फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती, इसलिए हम अगर इंटेंसिटी बढ़ाए भी तो उससे फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ेगी, और फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे ही फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट किया और उसकी एनर्जी ट्रांसफर हुई, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। एक फोटोन की जितनी भी एनर्जी होती है वो एक ही मोमेंट पे एक क्षण में तुरंत इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि फोटोन ऐसे कंटिन्यूअसली नहीं आ रहा होता इलेक्ट्रॉन के पास की एनर्जी आ रही है आ रही है आ रही है, तो इसलिए इसमें कोई टाइम लैग नहीं होता है। 10^-9 सेकेंड तक जब हम एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व कर रहे थे तो इतनी एक्यूरेसी तक कोई टाइम लैग नहीं था। और तीसरी चीज कि अगर हम वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो चूंकि फोटोन की एनर्जी कम हो जाती है इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है। अगर मेरी फोटोन की जो एनर्जी है वो उसके वर्क फंक्शन से कम हो जाए, फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन से कम हो जाए, कुछ नहीं बाहर आएगा फिर क्या, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होएगा ही। अब एक चीज़ और देखो, लाइट गिरी इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये क्या लगा मैंने, बैटरी लगा, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, यानी इस और कलेक्टर साइड में मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया, पॉजिटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस से क्या हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जिसके पास बाहर तो निकल गए वो मेटल से, लेकिन उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम, तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज उस नेगेटिव चार्ज को भी अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो अगर मैं पोटेंशियल को बढ़ाऊंगा, पॉजिटिव पोटेंशियल को, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा तो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, यानी करंट जो है मेरा बढ़ता है अगर मैं पोटेंशियल को अपने बढ़ाता हूँ, पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाता ही रहूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि करंट बढ़ता ही रहेगा बढ़ता ही रहेगा, एक लिमिट आ जाएगी, उसके बाद अगर मैं चाहे जितना अपना पोटेंशियल बढ़ाऊंगा करंट नहीं बढ़ेगा। उस टाइम पर जो करंट होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उसको बोलते हैं हम सेचुरेशन करंट।
तो जब सेचुरेशन आ जाता है एक लेवल के बाद, उसके बाद आप चाहे जितना मर्जी पोटेंशियल को बढ़ाइए तो आपका करंट नहीं बढ़ेगा। और अगर मैं इस पोटेंशियल को जीरो कर दूँ, पोटेंशियल को मैं जीरो कर दूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुक जाएगा, क्योंकि अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो एमिटर से कलेक्टर की ओर जा रहे होंगे, तो अभी भी मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जारी रहेगा। हालांकि कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो लाइट करंट की वैल्यू कम होगी, लेकिन जीरो नहीं हो जाएगी। हालांकि अगर मैं इस पर निगेटिव निगेटिव पोटेंशियल लगाऊं, तो ये क्या करेगा, निगेटिव पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको रिपेल कर देगा, उनको रिपेल कर देगा। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो उस रिपल्सन के बावजूद भी एमिटर से कलेक्टर में पहुंच जाएंगे। बट अगर मैं निगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाता रहूं बढ़ाता रहूं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब पोटेंशियल इतना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, कि मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है वो भी रिपेल हो जाएगा, वो भी एमिटर से कलेक्टर में नहीं पहुंच पाएगा और मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुक जाएगा। तो उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, वह पोटेंशियल निगेटिव पोटेंशियल जिसके लिए मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज जीरो, जिसके लिए जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है वो एमिटर से कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समझ तो है ना, तो उसको बोलते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, अब थोड़ी इस चीज की दोबारा से चर्चा करते हैं, चीजें मिटो लेते हैं। देखिए, हमने क्या कहा कि हमारे पास जितनी भी एनर्जी होगी फोटोन की, उसके वर्क फंक्शन में और बची हुई एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी, ठीक है। अब अगर मेरे पास फोटोन की एनर्जी इतनी ही है कि उसके वर्क फंक्शन के बराबर हो, काइनेटिक एनर्जी मेरी जीरो हो, तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन तो बाहर तो आ जाएगा लेकिन उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो उस फ्रीक्वेंसी, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी जिसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन के बराबर है, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके लिए मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम करेगा, या उस फोटोन की एनर्जी जिसकी एनर्जी उस फोटोन की एनर्जी जिसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर है। ध्यान रखिए, जो मैं वर्क फंक्शन है ये किसे, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये उस मेटल की प्रॉपर्टी होती है। जो मेरे एल्कलाई मेटल्स होते हैं उनका जो वर्क फंक्शन होता है वो काफ़ी कम होता है, वो विजिबल लाइट से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन जो मेटल्स है जैसे जिंक, कैडमियम, ईटीसी, उनके लिए हमको यूवी लाइट का यूज करना पड़ता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हुई, वो फ्रीक्वेंसी, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं तो एक हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी कहते हैं, क्योंकि न्यू बराबर क्या हुआ, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। तो उस फोटोन की एनर्जी, जिस फोटोन की एनर्जी जो है वर्क फंक्शन के बराबर है, उसकी वेवलेंथ को हम क्या बोल देंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब अगर इससे ज़्यादा हम वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो फोटोन की जो एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। तो द मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, या उस फोटोन की वेवलेंथ जिसकी एनर्जी जो है वर्क फंक्शन के बराबर है, तो उसकी वेवलेंथ को हम क्या बोल लेंगे, थ्रेशोल्ड। सो कहाँ थे, हाँ, तो उस फोटोन की वेवलेंथ जिसकी एनर्जी हमारे वर्क फंक्शन के बराबर है उसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अच्छा,
तो एक चीज देखा, अब डब्ल्यू की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एच न्यू नोट। या न्यू नोट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा बदलते हैं और इसको कुछ ऐसे करते हैं। एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस के मैक्स, इसको इधर ले आएंगे, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट इक्वल टू के मैक्स, या एच न्यू माइनस न्यू नोट इक्वल टू के मैक्स। तो ये जो इक्वेशन है यही एक चीज, एक ही बात है, कुछ ज्यादा बड़ी चीज इसमें हुई नहीं है। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इतनी सी बात है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब कोई फोटोन आता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे के जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और ऐसे करंट बहता है। ठीक है, तो इतनी सी बात है। इसमें सबसे पहले एक तो ज्यादातर चीजें क्या पूछी जाती है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप बता सकते हो, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, व्हाट इज वर्क फंक्शन, और व्हाट इज आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अच्छा, इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी इस पे आएंगे इसी इक्वेशन पे। यहाँ पर के की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 mv² मैक्सिमम। मैक्सिमम इसलिए कि उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है अगर वो कहीं एनर्जी अपनी बेच के आए। ठीक है, तो अब इस पे कुछ हम क्वेश्चन करके देखते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं, अब देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन दिया है, कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और उस पर 200 नैनोमीटर की लाइट गिर रही है। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, एमिटेड भी होगा इसके बाद में, एक मैंने खुद से ही लिखा है तो आप समझ सकते हो। तो क्या है, क्या हो रहा है उसका? देखो वर्क फंक्शन कितना है हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेवलेंथ कितनी है, द लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ, खुद से क्वेश्चन बनाने में ही प्रॉब्लम है। अच्छा कितनी है, 200 नैनोमीटर। अच्छा क्या बताना है, इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हमारे पास इक्वेशन है एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के मैक्स। ये क्या है, फोटोन की एनर्जी, ये वर्क फंक्शन, और ये इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा इसमें वैल्यू रख देंगे सीधा, तो एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एच की वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, वो हम बाद में लिख लेंगे उसकी जो भी यूनिट आएगी। अब फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्बडा, अभी सी बाई लैम्बडा ही लिख लेते हैं क्योंकि हमारे लैम्बडा दिया हुआ है। सी होती है 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट अपॉन, लैम्बडा कितना है 200 नैनोमीटर है, अब इसको नैनोमीटर में, इक्वल टू वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस के मैक्स। आप एक चीज देख सकते हैं कि जो वर्क फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, और जो ये अभी मेरी एनर्जी आएगी इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिखूँ × 10⁻¹, अब मीटर, अब ये जो एनर्जी आएगी वो आएगी जूल में, ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको मेरे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना होगा या इसको जूल में बदलना होगा। एक काम करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं, डिवाइड करते हैं 1.6 × 10⁻¹ ऐसे, तो इसको थोड़ा सा आगे खिसका देते हैं ऐसे। अब आप एक चीज देख सकते हैं कि ये अब काफी अच्छी कैलकुलेशन हो गई है, इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट क्या है कि ये जो तीन टर्म है, सॉरी ऐसे, इनकी एक वैल्यू है हमारे पास, एक बार में क्योंकि इनको बार बार हमको लाना पड़ेगा, तो एक बार में ही हमने इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी। और वैल्यू क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, इनकी अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो वैल्यू आएगी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर विद यूनिट, हम वैल्यू रख रहे हैं,
अपन इसकी वैल्यू क्या करते हैं, अब इसको हम 200 नैनोमीटर ही लिख लेते हैं। नैनोमीटर विल कैंसिल आउट नैनोमीटर, इक्वल टू डब्लू कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस के मैक्स। अब क्या करना है, ऐसे इससे इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 12 और 2 2 4 ये आ जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस के मैक्स। तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो हो जाएगी 6.2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा मेटल सरफेस से, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी हमारे पास 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये तो उसने पूछी काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के साथ अगर वो पूछ ले कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो भी बहुत सिंपल है, अभी बताते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा दें एक बार, अभी बताया। देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई हमारे पास, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो, क्या होती है, 1/2 mv² या मैक्स होगा वो, आप समझते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ऐसे अगर वी की वैल्यू चाहिए तो v² इक्वल टू 2k/m, और v इक्वल टू √2k/m। एक चीज हो रहा है कि अब जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी जो मैंने निकाली हुई है, वो क्या है मेरी, क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और उसको जूल में बदलना पड़ेगा। तो जूल में बदलने के लिए उसमें 1.6 × 10⁻¹⁹ इससे मल्टीप्लाई करेंगे। काइनेटिक एनर्जी है कितनी, जितनी भी है उसकी वैल्यू बाद में रख लेंगे, और ये है मेरे इलेक्ट्रॉन का मास, 9.1 × 10⁻³¹। इसको नहीं पता वो नोट करके रखेगा, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम, हिल मत, ठीक है। अब इनकी ये जो आएगा, इसकी पूरे की वैल्यू हमने एक बार में कैलकुलेट करके रखी, तो वो आएगी 0.6 × √ में के, अभी बचा हुआ मेरा, × 10⁶ m/s। अब के जो है वो जूल में मैंने इसको बदल लिया, तो के को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है वो रख दे रहा हूँ, तो क्या हो गया मेरे पास, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। इसके समझ में नहीं, एक बार दोबारा ऐसे दबाना, पीछे होगा तो समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज है, सिंपल सा है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दें। और जिसको नहीं पता है फॉर्मूला क्या है, कहाँ से आया है, एक बार 9th क्लास की फिजिक्स की बुक देखना तो समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, √k यानी √4.2 की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसा आएगी, 4+0.2/√4 यानी 4+0.2/4 यानी 4+. क्या होगा, क्या होगा, पॉइंट शायद अगर तो होता 0.05। अब ये मेथड क्या है स्क्वायर रूट निकालने का, वो हमने 12th में पढ़ा हुआ है, डेरिवेटिव, ठीक है। अगर कोई भी नंबर है √y/∇y, उसका रूट मुझे निकालना है, दैट इज √y/∇y/√y, ऐसे, जहाँ पर y क्या है 4 और √y क्या था 0.2। वैल्यू आई मेरे पास 4.05, 4.05, ओ सॉरी, अब इसका रूट तो क्या ही नहीं, 2, तो 2.05। और अगर अब मैं 2.05 की मल्टीप्लाई करूँ 0.6 × 10⁶ m/s, तो ये क्या होगा मेरा वेलोसिटी का आंसर, मैक्सिमम वेलोसिटी। इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.05 × 6/10, तो क्या हो जाएगा, 6 5 30, 0 6 2 12 / 10, तो ये होगा करीब 1.2 × 10⁶ m/s। तो ये होगी उस फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी, ये क्या थी उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे ही केवल इन दो इक्वेशंस का यूज हमें करना होता है
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्वेश्चंस करने में। अब ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है बहुत, दो नंबर में। अभी एक दो क्वेश्चंस और करेंगे तो और चीज़ें हमें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। यार पोस्ट तो करना बनता है। अच्छा अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, जब ये पहली फ्रीक्वेंसी 10^15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की मैक्स है, और जब इतनी फ्रीक्वेंसी है तो इतनी काइनेटिक एनर्जी है उसकी, ठीक है जी। तो पूछ रहा है कैलकुलेट करो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट को, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को और वर्क फंक्शन को। तो तीन चीज हमको कैलकुलेट करनी है। तो इक्वेशन हमको पता है क्या है, एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के मैक्स। ये इक्वेशन हमारी पहली वैल्यू रखते हैं एच इंटू 10^15 हर्ट्ज है, यूनिट बाद में रख लेंगे, इक्वल टू डब्ल्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है 4.2 × 10^-19 इक्वेशन वन इसको बोलते हैं। दोबारा कितनी फ्रीक्वेंसी है, एच इंटू 5 × 10^14 हर्ट्ज इक्वल टू, इक्वेशन यही होगा, डब्ल्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी अब कितनी है 0.9 × 10^-19। अब क्या करते हैं, इस वाले में से इस वाले को हटा देंगे तो एच तो ऐसे ही रहेगा 10^15 में से, ये वाले देखो इसकी आधी है तो एक में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, तो इतना बचेगा 14 इक्वल टू, इससे मर जाएगा बेचारा। और इसमें से 4.2 में से 0.9 घटाएंगे तो 3.3 × 10^-19, ठीक है। ये है जू, तो एच की वैल्यू निकालनी है तो इससे डिवाइड कर देंगे, एच इक्वल टू 3.3 × 10^-19 अपॉन 5 × 10^14। तो क्या हो जाएगा, 3.3 × 10^19, ये -33 आएगा, 0.66 × 10^-33 और 6.6 × 10^-34, दिस वाज जूल अपॉन हर्ट्ज। और हर्ट्ज क्या होता है, सेकंड इनवर्स, यानी और सेकंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो जूल सेकंड, ये यूनिट होती है हमारे प्लैंक्स कांस्टेंट की। तो पहली चीज हमने कैलकुलेट कर लिया है प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि हमारा इतना है, ओके। अब क्या करते हैं, इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे इस इक्वेशन में, बाकी चीज़ को एक बार मिटा देंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद रखी कितनी आई है, ठीक है जी याद रखेंगे। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 6.6 × 10^-34 × 10^15 इक्वल टू डब्ल्यू यानी वर्क फंक्शन प्लस 4.2 × 10^-19। अब डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए तो इसमें से इसको घटा देंगे, ये होगा 6.6 × तो 19 बचता होगा -19, और माइनस इसको घटाएंगे 4.2 × 10^-19, ये आ जाएगा मेरा डबल, कितना होगा 6.6 में से 4.2 घटाएंगे तो 2.4 आता होगा × 10^-19 इक्वल टू डब्ल्यू, ये क्या इतने जूल, उल्टा लग दिया, यानी जो मेरा वर्क फंक्शन है वो है 2.4 × 10^-19 जूल। अब प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया, वर्क फंक्शन आ गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए हमको। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे पता करेंगे वो भी देखते हैं, थोड़ा सा और मिटा देंगे, सारा ही मिटा लेते हैं बस, इन दो चीज़ की वैल्यू हमें पता चली गई है। हमको पता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो, एच न्यू नोट इक्वल टू डब्ल्यू, न्यू नोट इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एच। डब्ल्यू कितना है 2.4 × 10^-19 अपॉन एच कितना है 6.6 × 10^-34, तो ये हो जाएगा 2.4 / 6.6 × 10^15 होता होगा।
24 बट्टा 66 इसको करें तो 6 बट्टा नहीं 4 6 24 और 11, 11 से 4 को डिवाइड करें तो 0.40 33 7 0 11 66 4 0 3 यानी करीब 3.6, 3.6 लिखा तो 10 की पावर 14 हर्ट्ज ये होगी मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो तीनों चीज की वैल्यू मेरे पास आ गई। प्लैंक्स कांस्टेंट कैलकुलेट करना था, उसकी वैल्यू ये है 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड। वर्क फंक्शन की वैल्यू है 2.4 × 10⁻¹⁹ जूल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 3.6 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा अलग सा, ऐसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से और तो चीजें हमें और भी बेहतर समझ में आएगी। ये करते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इतनी बड़ी हुई नहीं है वैसे जितना मुझे लग रहा है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा तो ये अब अगला क्वेश्चन है, मतलब आखिरी क्वेश्चन है। लैम्बडा कितना दिया है, वेवलेंथ 350 नैनोमीटर, बहुत बढ़िया, जिस चीज में हमें चाहिए उसमें दिया है नैनोमीटर में। इंटेंसिटी दी है 2 वाट पर मीटर स्क्वायर, इससे भी निमटेंगे। और वर्क फंक्शन दिया है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एरिया भी दिया है उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या क्या पूछा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बता देंगे, और कह रहा है अगर 0.5% फोटॉन्स जो है जितने डल रहे हैं, इंटेंसिटी दी है, इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटॉन, तो 0.5% फोटॉन्स जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालते हैं, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बताओ कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। चलिए देखते हैं, पहले तो इस चीज का यूज कर लेते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन का। एच 6.6 × 10⁻³⁴, ये तो इतनी चीज हम नहीं लिखते हैं यार, सीधा लिखो। इसकी वैल्यू है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बट्टा लैम्बडा दिया है नैनोमीटर में 350 नैनोमीटर, इससे ये मर गया, बराबर 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस के मैक्स। अब बचा क्या, 124 से 35 से 124 को डिवाइड करना पड़ेगा, 35 से 124 तो 30, 3 90, 30 चौक 120, 90 ही चलेगा, 90 नहीं तू भी यहीं पर आएगा, अरे मर गए मर गए मर गए, आ गया से भाग मर जा भाग जा। तो 5 से 15 भी होगा तो 105 बचा, कितना सही भी कर रहा हूँ क्या, 30 3 90, 5 से 15 105 बचा, 19 पॉइंट लगाते 0, 30 6 180, 5 6 4 हो जाएगा, तो 30 5 150 और 5 5 25 175 बचा, 25 0 और 30 7 210, 5 7 35 तो 145, ठीक है इतना आ गया, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट कैसे करना है वो आप देखो कर सकते हो, बराबर 2.2 नहीं कर सकते तो आई एम सॉरी गलत जगह आए हो। तो के मैक्स कितना होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 357 में से 220 कटेगा तो बचेगा 137 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ये तो बात हमें समझ में आई, इस चीज को भी पकड़ के रखना है। फोटोनिक एनर्जी, एक फोटोनिक एनर्जी कितनी है, 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं पता नहीं, इंटेंसिटी है इतनी। अब एक चीज, अब इसको करते हैं थोड़ा सा मिटो देते हैं, इस चीज को याद रखेंगे 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, और ये तो आंसर हमारा आ गया 1.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसकी वैल्यू। अच्छा अब देखो, ये कह रहा है कि लाइट की इंटेंसिटी जो है
वह 2 वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी पर मीटर स्क्वायर में जितनी एनर्जी आ रही है, वाट क्या होता है, जूल पर सेकंड, यानी पर सेकंड जितनी एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है, पर सेकंड 2 जूल, मीटर स्क्वायर में पर सेकंड 2 जूल एनर्जी इतनी आ रही है। एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में बोले तो 3.57 × 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल इतनी एनर्जी इसके पास है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होगा, एक फोटोन की एनर्जी इंटू नंबर ऑफ फोटोन बराबर टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी से एक फोटोन की एनर्जी को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स ई बराबर एन एच न्यू, ई कितना है पर सेकंड, बात हो रही है 2 जूल, बराबर एन पता नहीं है और एच न्यू की वैल्यू है 3.57 × 1.6 × 10⁻¹⁹। बकवास नहीं, इनकी गुणा करनी पड़ेगी, करते हैं थोड़ा सा मिनट ओके। 3.57 × 1.6, यार इतनी खतरनाक गुणा कौन करेगा, थोड़ा सा पहले ही हटा दे क्या, 16/10 कर ही लेते हैं यार, 16 ही मान के चलते हैं, 16 सत्ते 16 छक्का 96 16 सत्ते 112, 11 16 5 80 और 11 अस्सी और 11 91 9, 16 3 48 और 9 57 होता होगा तो 5.7, इतना ही लेंगे तुम भाग यहाँ से। अच्छा तो 2/5.7, अब ये तो डिवाइड में आएगा ऊपर मल्टीप्लाई में भाग जाएगा, बराबर आ गया एन। तो इतने फोटोन्स है कितने, 2/5.7 × 10⁻¹⁹, इतने फोटोन्स है। अब ये तो फोटोन है पर सेकंड आ रहे हैं, पर सेकंड ही बताना है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे पर सेकंड। अच्छा अब क्या एक चीज़ और बोल रहा था कि 0.5% जो फोटोन्स है वो ही क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं। अच्छा तो इसका 0.5% निकालते हैं, यानी 0.5 × 100, तो ये बचेगा, बचेगा क्या बचेगा, 5 × 10⁵ × 10⁻¹⁄⁶। अच्छा एक चीज छोड़ दी, क्या छोड़ दी भैया, ये एनर्जी पर मीटर स्क्वायर है। अच्छा तो ये जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ये है पर मीटर स्क्वायर, नीचे का नहीं दिख रहा क्या, कोई बात, इसको पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी बदलना पड़ेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर में क्या होगा, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये नहीं पता तो बेटा आपका मैं कुछ नहीं कर सकता, तो माइनस के 4 से ऊपर मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो आंसर आएगा 10/5.7 × 10⁻¹² फोटो इलेक्ट्रॉन। और जब इतनी गुणा माता भी तो ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब इन क्वेश्चंस को करके, और शुरुआत में जो मैंने बात बताई थी कुछ बकवास करी थी उनको समझ के, अब मुझे लगता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो जी भैया क्लियर हो गया होगा, होना चाहिए आप, देखो अगर नहीं हुआ तो फिर से देख लो वीडियो, और अगर कुछ पूछना है तो भैया कमेंट वमेंट कर दो, बता देंगे, वहीं पर पूछ लो भैया नंबर वंबर क्या है, नंबर देने भैया ना केवल लड़के भैया बोले, क्या भी बोल ले, एक तो छोड़, नमस्कार आज के लिए तक।